आ गया थोड़ा प्यो। सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। आई होप आप सभी लोग फुल मजे कर रहे होंगे। खैर अभी बढ़ते हैं आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। तो स्पोर्ट्स गड्डिया सॉन्ग ने फाइनली 1.4 लाख लाइक्स के साथ 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। साथ में ये गाना 40,000 से भी ज्यादा कमेंट्स के साथ यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में ओवरऑल नंबर 7 एंड म्यूजिक में नंबर 9 पे जगह बनाया हुआ है। कल रात की वीडियो में तो मैंने आपको इस गाने पर मुनावर एंड बेला का रिएक्शन दिखाया था, लेकिन अभी अभी एक्सी ने भी कुछ ऐसी स्टोरी लगाई थी और लिखा था यो यो हनी सिंह फ्लो इज फायर। यही नहीं, अभी कल रात जब वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी तो उन्होंने यो यो हनी सिंह के साथ आने वाला गाना आखिर कब ड्रॉप होगा वो भी बताया था। छोटी सी क्लिप आप लोग देख लो। यो यो हनी सिंह एक्स एक्सी, आज ही मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया। आई डोंट नो व्हेन एम आई शूटिंग दैट सॉन्ग। जो जो भी देख रहे हैं पुट ऑन यू नो गुड वाइब्स टू दैट ट्रैक। आई होप इट कम्स आउट प्रीटी प्रीटी सून। बन तो चुका है, लेट्स सी। अभी सर इज रिलीजिंग हिज एल्बम 3.0 आई थिंक आफ्टर दैट। सो ये चीज तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जैसे ही हनी 3.0 ड्रॉप होती है उसके बाद योयो हनी सिंह के सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें योयो एक्स एमयूए बनता है, योयो एक्स सेक्सी और ना जाने कितने सारे कोलैबोरेशन शामिल हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग वेट करो हनी 3.0 एल्बम का। वैसे इस एल्बम से पहले आप सबको एक मोस्ट अवेटेड कोलैब भी देखने को मिलने वाला है जो कि इसी महीने ड्रॉप हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योयो एक्स अल्फाज के टेल मी वंस गाने की। सो जैसे कि मैंने आपको कल रात की वीडियो में भी बताया था कि इस गाने की शूटिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। हनी पाजी ने कल रात को कुछ ऐसी स्टोरी लगाई थी जिसको फिर अब अल्फाज पाजी ने भी शेयर किया है और लिखा है ऑल सेट टू क्रिएट हिस्ट्री वंस अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब कुछ तो बहुत खतरनाक आने वाला है। और इसका तो इतिहास गवाह है कि जब भी ये दोनों एक साथ किसी गाने में देखने को मिले हैं वो गाना 100% ब्लॉकबस्टर हुआ है। सो टेल मी वंस गाने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसके अलावा हनी पाजी ने आज कुछ ऐसी स्टोरी भी लगाई है और लिखा है तुम्हें आने में वक्त लग जाए पर देखना जमाना न लग जाए। सो क्या लगता है ये स्टोरी हनी पाजी ने टीना ठिरानी के लिए लगाई है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी स्पोर्ट्स गड्डिया सॉन्ग को जाके सुनो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।